गाइस कैसे आप लोग। तो आज मैं आपसे ला चुका हूं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में टॉप 1 नहीं टॉप 3 नहीं बल्कि टॉप 2 शेडर, जिसको देखने के बाद आप पूरी तरीके से हिल जाने वाले हो। एंड ये शेडर इतना ज्यादा इजीली एक्टिवेट हो जाता है कि आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए ओनली 10 सेकंड का टाइम चाहिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो तैयार हो जाओ क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के खतरनाक शेडर देखने के लिए। तो नंबर 1 पर आता है टेक्सटन शेडर, जो कि मेरा बेस्ट शेडर भी है। एंड गाइस इस शेडर की सबसे बढ़िया बात ये है कि इसका ट्रांसपेरेंट वाटर देख सकते हैं कितना ज्यादा कूल लग रहा है। एंड साथ ही साथ इसके वाटर के अंदर भी आपको हल्का सा नाइट विजन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आप वाटर के अंदर से स्काई को भी देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है। एंड आप देख सकते हो अपना डब्बा सन भी यहाँ पर सर का चेंज हो चुका है, अपना स्काई भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। एंड टेक्सचर पैक में चार चीजों के टेक्सचर बदल चुके हैं, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ। पहला है टॉर्च, जिसको आप मेरे हैंड में देख ही सकते हैं। यहाँ पर कैंप फायर के अंदर भी हल्की सी डिटेलिंग आ चुकी है। एंड साथ ही साथ आपको बेड का 3D टेक्सचर भी देखने के लिए मिलेगा। और विलेजर का आप जब मारेंगे तो आपको ब्रेक हार्ट का भी किल इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। एंड इस शेडर की सबसे ज्यादा खास बात ये कि इसका सनराइज देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो बारिश की बूंदे आपको कुछ इस तरीके से सर्कल में देखने के लिए मिलेगी। एंड थंडरस्टॉर्म में आपको वेदर कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको रात में भी कुछ इसी तरीके का वेदर देखने के लिए मिलने वाला है। एंड आप मून को भी देख सकते हैं कितना सर्कल में दिख रहा है। एंड इसमें लावा का टेक्सचर भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक, और साथ ही साथ सारे सारे कीमती ब्लॉक का भी टेक्सचर सही हो चुका है। यहाँ पर आप ओर्स का टेक्सचर देख सकते हैं कैसा है। साथ ही साथ आपको कलरफुल बैकग्राउंड भी देखने के लिए मिल जाता है, और ये काफी ज्यादा स्मूथ शेडर भी है। और अब बात रहती है नेक्स्ट शेडर की, यानी कि कलरफुल शेडर। एंड गाइस इसके नाम की तरह इसके अंदर आपको हल्का हल्का रियलिस्टिक एंड कलरफुल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप स्काई को देख सकते हैं कितना ज्यादा रियलिस्टिक है। एंड इसमें वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, एंड नाइट विजन आपको इसमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है। एंड बारिश के अंदर आप वेदर देख ही सकते कुछ इस टाइप का होता है। एंड शुगर केन का टेक्सचर काफी ज्यादा अच्छा दिखता है इसमें। एंड इस शेडर में आपको ज्यादा कुछ तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, निकल आपको यहाँ पर कलरफुल और ज्यादा से ज्यादा आपको लाइट लेवल देखने के लिए मिलने वाला है। गाइस चलो मैं आप सभी को बता देता हूँ आप इन शेडर को कैसे लगा सकते हैं। एंड डेस्टिन शेडर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओगे, एंड फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके डाउनलोड शेडर पे क्लिक कर देना होगा। एंड उसके बाद आपको मीडिया फायर का लिंक मिल जाएगा, आपको इजीली इसको डाउनलोड कर लेना होगा। एंड कलरफुल शेडर का मैंने आप सभी को डायरेक्ट मीडिया फाइल दे दिया, आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोनों शेडर डाउनलोड होने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में आके यहाँ पर शेडर को सर्च कर लेना होगा। एंड उसके बाद आपका मनपसंद शेडर आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मोर पे क्लिक करके क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में इसको इनपुट कर लेना होगा। एंड उसके बाद आपको इसको सेटिंग्स में जाके एक्टिवेट कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। आशा करता हूं आपको ये शेडर पसंद आए होंगे। एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलता हूं अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।